शाफ्ट पर से यूटिलाइज करके हम लोग कोई वेट लिफ्ट कर सकते हैं, बट वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। वेट लिफ्ट करने के लिए विंड एनर्जी यूज़ करना उतना वैसा इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। क्या इकोनॉमिकल है वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर इस शाफ्ट के रोटेशन से हम लोग डायनमो में कनेक्ट कर दे रहे हैं या एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके जब शाफ्ट रोटेट होगा, जनरेटर रोटेट होगा, तो ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। एंड अब इस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग इसको यहाँ पर से टैप आउट करके फर्दर जहाँ सप्लाई करना है वहाँ कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हो गया विंडमिल का, या विंडमिल कह लो या विंड जनरेटर कह लो, बात एक ही है, ठीक है। विंडमिल मतलब सिर्फ हो गया कि अगर इतना सा ऑपरेटर्स, ये टर्बाइन, ये करंट, अगर मैं यहाँ जनरेटर के अलावा कुछ और वर्क ऑप्टेन कर रहा होता तो इसे मैं सिर्फ विंडमिल कहता, बट इसी विंडमिल का यूज करके मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूँ, तो आई कॉल इट इज अ विंडमिल जनरेटर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज फर्स्ट कनेक्टेड, इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ शाफ्ट, ठीक है। उसके बाद फिर दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ शाफ्ट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर, ठीक है। तो बहुत वेरियस प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसका काइनेटिक से इसका काइनेटिक, फिर इसका काइनेटिक से शाफ्ट के थ्रू डायनेमिको काइनेटिक एनर्जी, और फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो इन शॉर्ट मैं डायरेक्टली अगर उतना नहीं स्टेप ब्रेक करूं तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है।